मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे तो स्टार्टर ही मिस हो जाएंगे। मेरा सबसे सबसे बड़ा स्ट्रेस रहती है मेरे को इस टाइम स्टार्टर का है। तू जितने भी आज तक हिस्ट्री में तो जितने भी चिप्स मंगाए सारे बेकार निकलते हैं। चल ठीक है, तू धीरे धीरे केक लेके जा, मैं बस आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कल रात को इतनी देर हो गई हमें घर आते आते, आए उसके बाद फिर हमको और भूख लग गई, फिर हमने और खाना ऑर्डर किया, फिर हम उसका भी वेट करते रहे, फिर हमने वो खाया, सोते होते हमें सुबह हो गई। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज आज हमने दिन बहुत लेट शुरू किया क्योंकि हम सोते रह गए। आज हम फिर से बाहर जा रहे हैं, तो मुस्कान और मैं आज रेडी होके जाने वाले हैं एज अ फैमिली अपने एक दोस्त की बेटी के बर्थडे पार्टी पे। अब थोड़ी देर में आपको हुलिया बदलता हुआ मिलेगा, मुस्कान का भी और मेरा भी, हम फिर से सजने वाले हैं। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार, ऑलवेज रनिंग लेट, हम फिर से लेट हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। जब तक पहुंचेंगे बच्चे का केक वेक सब कट जाएगा, सब हो जाएगा। गाइस आज हमने इतने टाइम से तैयार होना शुरू किया था, हमको 7:30 बजे यहाँ से निकलना था, अभी 8:30 हो गए, अभी 8:20 हो गए। चलो जल्दी चलो बेबी, मेरी रुक दिखा दो फटाफट। ये हो गई हमारी बेबी तैयार। और गाइस हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो ये है मेरा लुक, आप देख लो कि कैसा लग रहा है। मेकअप, ज्वेलरी, हेयर मैंने आज सिंपल स्लीक रखे हैं और सिंदूर लगाया है काफी दिनों बाद, बड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा, कॉमेंट करके जरूर बताना। आप जल्दी चलो, बाय। चलो गाइस, मेरी बेबी देखो कितनी सुंदर लग रही है, और मेरी बेबी बहुत भूखी है, इसने कुछ खाया नहीं है, तो मैं इसके लिए ना रेड हॉट चिप्स लेके आया हूँ, एकदम नए वाले, नया नया फ्लेवर आया है। बेबी का पिकनिक साथ में चलता है। चिप्स लेके आया घर से, देखो भी भूख लग रही है। गाइस हम तो हर जगह स्टार्टर ही मिस कर देंगे, जो हम नोएडा शिफ्ट हुए ना, हमारे दिल्ली के फंक्शन ही मिस हो जाते हैं सारे। हम खुद लेट करते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। हम टाइम पे तैयार हो गए थे आज तो। चलो जल्दी चलो चलो। गाइस हम आ गए वापस यहाँ पे, हरी पत्तियां फूकने। गाइस कहीं पे भी जाओ पहले, भाई तू सीएनजी क्यों नहीं लिया हमने, सीएनजी ले लो भाई। बाजू में लाइन देख रही है, पेट्रोल। हाँ। पेट्रोल वो सीएनजी की लाइन है नॉर्मल, तो उससे क्या हो, कम से कम सस्ती तो है। अरे खड़ी ही रहती है तो लाइन, तो हमें पेट्रोल की वाली में भी खड़ा होना पड़ता है। टाइम इज मनी, तो मनी तो दे दे टाइम फिर। ओ वाओ प्लांट। मैं तो ये सोच रही हूँ की हमारे तो स्टार्टर ही मिस हो जाएंगे। मेरा सबसे सबसे बड़ा स्ट्रेस रहती है मेरे को इस टाइम स्टार्टर का है। बच्चे का केक कटिंग तो मिस हो ही जाएगा, चलो वो तो है ही बात, पर स्टार्टर भी बंद हो जाएगा तब तक डिनर स्टार्ट हो जाएगा। है ऋतिक, 10:30 पहुंचेंगे हम, कब पहुंचेंगे? 10 बजे पहुंचेंगे। हां जी। हे भगवान, बस स्टार्टर ऑन रखना, स्टार्टर। बेबी तुझे क्या लगता है, स्टार्टर मिलेंगे? हां हां मिलेंगे, भरोसा भरोसा विश्वास, क्योंकि जहाँ पे हो रहा है हमें उस जगह पे भरोसा है। हाँ वैसे अपना एरिया है गाइस, जहाँ पे रोका हुआ था हमारा और जहाँ पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी हुई थी, जहाँ पे राजवीर का रोका हुआ था, वहीं पे आज उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, तो एक्ट बर्थडे है बर्थडे। गाइस ये ना एक तरीके से हमारी फैमिली प्लेस है, ऐसा वेन्यू है ये जहाँ पे हम सारे फंक्शन हमारे यहीं होते हैं। मतलब होता ना कि आप एक जगह से आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो, आप उनके फूड को इतना ट्रस्ट करते हो, उनकी केटरिंग को, उनके डीजे को, म्यूजिक को, उनके टाइमिंग को, और फिर अगर आप पीपा के लुढ़क भी जाओ तो उनके संभालने को भी आप इतना ट्रस्ट करते हो कि आप किसी और जगह पे ना एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। तो बड़ी कंफर्टेबल जगह जा रहे हैं आज हम जैसे करके। और हाँ यार, ये तो मैं एक सेकंड के लिए भूल ही गई थी, वहां पे तो हमें स्टार्टर मिल ही जाएंगे 11:30 तक आराम से। हाँ मैं तो जाते ही टूट पड़ूंगी। मैं तो गाइस गिफ्ट कुड़ी का बाद से फटाना, पहले मैं स्टार्टर खाने। चलो गाइस स्टार्टर तो खाते रहेंगे, तब तक मेरा पति जो चिप्स लेके आया वही खा लेते हैं। दो बार रिव्यू करेंगे, स्पाइसी डेविल कॉर्न चिप पहली बार मैंने मंगाया है ये, और खा के देखते कैसा है। तू जितने भी आज तक हिस्ट्री में तो जितने भी चिप्स मंगाए सारे बेकार निकलते हैं। दे दो इधर फटाफट, ऋतिक भी खा के बताएगा। एक एक करके खाएंगे, पर नहीं नहीं प्रेशर में आ जाता बंदा। एक सेकंड को, पहले तो लुक का रिव्यू। गाइस कुछ मरोड़ी जैसे लग रही है, ठीक है, मरोड़ी जैसी शक्ल है इनकी। मरोड़ी, इफ यू डोंट नो मरोड़ी, चाय मरोड़ी, चाय चाय च पा के जेडे खांदे ने पंजाबी लोग की, ओ होंदी है मरोड़ी। चलो टाइम बिस्किट, टाइम बिस्किट, हाँ जैसे फैन होता है, ठीक है। अब इसको खा के देखते हैं, स्पाइसी, वेरी क्रंची, जैसे सोया कटोरी खाते थे ना ऋतिक, वैसी, और स्पाइसी बहुत तगड़ा है। बट यू नो व्हाट अंकित, इट इज रियली टेस्टी, है ना? पता है, मैं इसका पैकेट देख के समझ गया था ये अच्छा होगा। तू आज तक ना तूने 50 चिप्स ट्राई किए पैकेट देख के, पर बेकार निकलते, पर ये बहुत टेस्टी। गाइस एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई, और ये मैंने कभी किसी स्टोर में नहीं देखा, फिजिकल स्टोर में। कहाँ से मंगाया तूने? ज़ेप्टो से। अच्छा,
वही कर रहा हूँ, महंगा पैकेट होगा 20-30-40 वाला, 20 रुपए का पर तूने जेप्टो से चिप्स क्यों मंगाए? हमने डिसाइड किया था हम जेप्टो नहीं करेंगे पैसे बचाने के लिए। और मैं ब्रेड मंगा रहा था साथ में, मंगा 20 रुपए का, बस मेरे को पता था वही चक्कर में। फिर वही गलती करता ना वही काम, तुसी तानू मना किता सी। मैं तानू क्या सी जे जद तुसी 20 रुपए की चीज खरीदी तो फिर 200-200 दे ऑर्डर करी जाना यार। इतनी बड़ी चीज मंगाई है, है ना, 20 के चिप्स 200 के पड़ गए। मैं पैसे वो स्पाइसी स्पाइसी वाला फिर आ रहा है, इतना बढ़िया वाला। इसका नाम है टर्टल चिप्स। गाइस वो जीप पे तो फ्लेवर आ गया एकदम, मिर्ची मिर्ची वाला मजा आ गया। हाँ जी दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए, कहाँ पहुंचे तो है नहीं वो टाइम से भाई बैठ जाएंगे ना, टेबल पकड़ के तो समझ नहीं आ। केक कट गया, केक कट गया, कौन से बोले उसका केक कट गया? कब लिए ब्रो? मैं खुद नहीं गया तो कह रही केक कट गया। दोस्तों से अपडेट ले रहे हैं गाइस कि क्या अभी व्हाट इज द पोजीशन जो कि पूछते हैं, तो वो तो 10 मिनट दूर है वेन्यू से और वो खुद ही नहीं पहुंचे अभी। कल वो कह रहे हैं 10 बजे तक जाएंगे। अरे मेरे को ये बताओ केक कट गया कि नहीं, मेरे को केक कटाते हुए फोटो लेनी है यार। हेलो गुरमुख, मुस्कान बोल रही हूँ। अच्छा मेरे को बताओ क्या स्टेटस है, बारात आ गई? केक कट गया नहीं कटिया? हाँ तो कोई टेंशन तो नहीं ना, अभी हमको 1 घंटा लग जाएगा यार, इससे जल्दी कैसे आए? आधा घंटा तुम्हें लगेगा ना, चल उससे पहले तो केक के साथ फोटो में भी आधा घंटा लगेगा ही। हाँ चल ठीक है, तू धीरे धीरे केक लेके जा, मैं बस आ रही हूँ। सो गाइस अभी हो रहे 10:15 और आपको मैं बताऊँ हम नोएडा से आ गए पर केक अभी तक नहीं पहुंचा। पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? अभी भी नहीं आया गाइस, केक अभी तक नहीं आया। देखो ये होता है दिल्ली के जाम का मतलब, दिल्ली से दिल्ली में केक घूम रहा है पर हम पहुंच गए गाइस। नोएडा से हम आ गए हैं दिल्ली और मेरा केक कटिंग मिस नहीं हुआ। बेबी आई एम सो एक्साइटेड, यस फील सो अकॉम्प्लिश्ड। ना केक कटिंग मिस हुई ना हमारे स्टार्टर मिस होंगे। हाँ सो अब गाइस हम चलते हैं फंक्शन में, अपने दोस्तों से आपको मिलवाते हैं और पार्टी हमारे साथ एंजॉय करो। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए आपको कोई सगन नहीं डालना, आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्टी हम आपको वर्चुअली अटेंड करा देंगे। सत श्री अकाल, हाउ आर यू? हेलो बोलो साडे व्लॉग चैनल से। साडा सिंगर कि थे? हेलो जी, आज घर बैठे बैठे इतनी ठंड लगती है कि पूछो मत, जैकेट सॉक्स स्कीवी क्या नहीं। और यहाँ देखो मुझे, घूम रही हूँ मैं तो। जब भी यहाँ था ना मेरे को हमारे रोके का देने आ जाता था, यहीं खड़े थे मुझसे। हाँ, रोका हुआ था और हवा चल रही थी, ठंड हो रही थी और जब मैंने इसे देखा था ना गाइस ये बिल्कुल अलग लग रहा था। मतलब रोके वाले दिन आई कुडंट इवन रिकॉग्नाइज की क्या इसकी ग्लो ही अलग था। सच में हम दोनों को बहुत खुश थे। बट एनीवे मैं ये कह रही थी गाइस कि लड़कियों को देख लो सारी सर्दी उड़ जाती है जब बारी आती है फैशन की। इस पे हुआ था हमारा फर्स्ट फ्लोर में। अंकल आ गए, क्या लग रहे हैं यार, सेक्सी लग रहे तुम, अच्छे लग रहे हो आप। एड हो गई हमारी, ले दिखाओ ने, ले दिखाओ। तू आजकल मेरे शादी के पोस्ट डाल रहा है, लड़की ढूंढ रहा है गाइस, लड़की ढूंढ रहे हैं हम इसके लिए। हां ढूंढो जल्दी ढूंढो, गाड़ी में छोड़ा है, गाड़ी में छोड़ा थे, कार में नहीं, पूछ लो।
नॉनवेज है। ये सब नॉनवेज है? Oh, I was about to dig into this. सबने बच्चे के लिए मैसेजेस लिखे, नानी नानी की जान, लव यू सो मच नूरा फूफू, लव यू ऑलवेज। सो इसी के साथ गाइस डांसिंग खत्म हो चुकी है। डीजे हमने कितना एक्सटेंड करा दिया अभी भी, बहुत देर तक, बहुत देर, कम से कम डेढ़ दो घंटे डीजे एक्सटेंड हुआ आराम से। पता नहीं कैसे कर दिया उन्होंने भी। जैसे हमने बोला था ना, यहाँ पे हमारे इतने फंक्शन हो चुके हैं, इतने फंक्शन हो चुके हैं, यहाँ तो लिटरली हर कोई जानता है। हाँ, सब जान पहचान वाले हैं और बहुत ही मजेदार फंक्शन रहा। मतलब यू नो द होल पंजाबी वाइब, इट्स लाइक क्रेजी सच में, है ना? पूरी अपनी शादी क्या लगी ना, एकदम गाने ऐसे थे कि बिल्कुल अपनी शादी, अपना रोका, मतलब सारे पूरी वही वाइब। मतलब अगर मैं भी नाच रहा हूँ ना अपने आप आके, तो मतलब वाइब बहुत अच्छी थी। और ये इसको इसका तो एक ही स्टेप है बस। ये एक ही स्टेप कर रहा है हर गाने पे, और हर गाने पे चलता भी है, चलता भी है गाइस। ऐसा लगता है कि इसको आता है, बट इसको आता कुछ नहीं है। चलो चल के खाते हैं गाइस। जितना मैं स्टार्टर का शोर मचाया हुआ था ना, जितना गाइस उतना मैंने खाए नहीं, खाली दो चार आलू खाए, पनीर खाए बस। उसके बाद से बस ये है कि पंजाबी लोग गाने चल जाते हैं, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बस नाचो। जब हम आए तो ऑलरेडी गाने चल रहे थे, तो सीधा हम डांस नाचने ही घुस गए। द मेन पार्ट ऑफ द फंक्शन बिगिंस हियर गाइस, मेन पार्ट ऑफ द फंक्शन है ना? यस, खाना। Food is very exciting, of course. और बहुत सारे yummy yummy snacks है guys. पा लो जिन्ना पनीर, मैं तो कहनी हूँ थोड़ा घर भी पैक करा के ले चलो। मैं ज़्यादा पनीर खाऊंगा नहीं, वैसे मेरे को दाल मखनी खानी है। मैं तो खाऊँ, मैं सब खाऊंगी बेबी। अब तो खा। I'm hungry. हमको दाल मखनी की भूख है। और मेरे को पता है यहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ की दाल मखनी क्रेजी है। मुझे अभी तक टेस्ट याद है यहाँ की दाल मखनी का। है? अपने रोके के टाइम से अभी तक याद है मेरे को। मैंने तो रोके भी कुछ नहीं खाया था अपने। मैं टेस्ट किया था। जो हमारी पहले वाली जनरेशन है, जैसे मम्मी, हम सब जाते थे ऐसे रिश्तेदारियाँ निभाने, है ना? मम्मी तो जाके ऐसे करती है, और मम्मी के फ्रेंड्स भी ऐसे फ्रूट सैलेड वगैरह खा के वापस जाते। यार ये कोई मजा है जा रही? तो मेरे हिसाब से हर जो भी स्टॉल लगा है फंक्शन में, सारा एक एक तो खा के आना चाहिए आपको। मेरा एज यूजुअल हर बार बेबी जैसे पार्टी अटेंड करती हूँ, गला खराब हो जाता है। उसको छोड़ो, शादी की सारी तब होती है जब दाल मखनी के साथ में आप नूडल्स ले लो। नूडल्स के लिए मैंने खाना, मैं तो राइस खानी। सैलेड लो ना। हाँ, सैलेड लो, तुसी कमी ना छोड़ो। ये लो बेबी। यहाँ की दाल मखनी इज लव, आई एम टेलिंग यू गाइस, इज लव। आज के ब्लॉग को एंड करने से पहले हम सबसे पहले आपको मिलवाना चाहते हैं एक सबसे स्पेशल सेलिब्रिटी से। सो गाइस, मेरा गाना निगाह यूट्यूब पे आ चुका है, वही मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये भी चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा भी करो। बहुत बहुत अच्छे अच्छे सुने सुने गाने, और इनका चैनल बताओ। मेरा चैनल है पूरन सिद्धू के नाम से ही है, जीजू मेंशन कर देंगे आपको यहाँ पे, सो वो जाके सब्सक्राइब कर लेना। हमारा भाई बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाता है, तो प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, 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 शेयर करो, जो कर सकते हो करो, बट जल्दी जल्दी मोनेटाइज करा दो दोनों के। आज के ब्लॉग को हम करते हैं यही एंड, होप करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।